हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को फिर से एक नए वीडियो पर। दोस्तों आज जो है बैक टू बैक गुड न्यूज़ देने वाला हूं। जी हां दोस्तों, ये वाला वीडियो भी गुड न्यूज़ होने वाला है और जो दोपहर को आने वाला है जो वीडियो वो भी एक गुड न्यूज़ ही आप लोगों के लिए जो है गुड न्यूज़ ही होने वाला है। तो आज का जो अभी का गुड न्यूज़ है वो क्या है? बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है। टाइटल और थंबनेल में आप लोगों को देख के पता चल गया होगा कि RBI ने माफ़ कर दिया बहुत बड़ा अमाउंट, लोन का अमाउंट जो भी डिफॉल्टर है आप लोग। तो क्या है सारा कुछ आप लोगों को पता चल जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग अभी तक वीडियो देख रहे हो, लाइक नहीं कर रहे हो तो जल्द से जल्द लाइक कर दीजिए वीडियो को, और सब्सक्राइब बटन अगर प्रेस नहीं किए हो तो सब्सक्राइब बटन जरूर से जरूर प्रेस करिए। साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिए ताकि इस तरीके का लोन रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन या फिर जो भी RBI रेगुलेटेड अपडेट्स जो भी चीज़ें हैं आप लोगों को इंस्टेंटली नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों आप लोग अगर डिफॉल्ट हो जाते हो, अगर आप डिफॉल्ट हो गए हैं तो आप लोगों को परेशान करते हैं लोग, जो कंपनीज है वो आप लोगों को परेशान करते हैं। लेकिन दोस्तों एक ऐसा गुड न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं जो कि आप लोगों को सुनने के बाद मतलब टोटली जो है रिलैक्स फील होने वाला लग जाएगा। ठीक है, आप लोग जितना डर रहे थे कि ये लोन का डिफॉल्ट हो गए हैं, ये कंपनी जो है ये कर सकता है, ये करेगा, केस हो जाएगा, तो आप लोगों को ये वीडियो देखना ज़रूरी है। दोस्तों यहाँ पर आप लोग जैसे देख पा रहे हो, RBI ने लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का जो भी लोन था डिफॉल्ट हो गए थे उतना अमाउंट जो है राइट ऑफ कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सही सुन रहे हो, RBI ने 3 लाख करोड़ रुपए जो है राइट ऑफ कर दिया है। जितना भी डिफॉल्टर्स हैं आप लोग सभी का लोन जो है माफ़ हो चुका है। लगभग आप लोग समझ सकते हो 3 लाख करोड़ कम अमाउंट नहीं है। तो ये अमाउंट जो है टोटली जो है राइट ऑफ कर दिया गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है एट 2.09 लाख करोड़ इंडियाज बैंक राइट ऑफ 20% मोर बैंक बैड लोन्स इन FY 2023 रिवील RBI। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को साफ तौर पर पता चल रहा है कि जो भी अमाउंट था 2.09 लाख करोड़ जो है अमाउंट राइट ऑफ कर दिया गया है जो कि बैड लोन्स के तरफ से जा रहा था, जो भी डिफॉल्टर्स था। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है दैट्स ह्यूज अमाउंट ऑफ बैड लोन्स इंडियाज बैंक रोट ऑफ इन लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2022-23। ठीक है, विच एंडेड ऑन March 31st दिस ईयर। तो मर्च को जो है ये टोटली राइट ऑफ कर दिया गया है। तो ये गुड न्यूज़ है, बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है। दिस टेक्स ऑफ द टोटल लोन राइट ऑफ बाय बैंक सेक्टर्स ₹10.57 लाख करोड़ इन लास्ट 5 ईयर्स, इंडियन सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक सेड इन द राइट टू इन्फॉर्मेशन रिप्लाई। तो यहाँ पे बताया जा रहा है 5 सालों में 10.5 लाख के ऊपर जो है 10.5 लाख करोड़ साढ़े दस लाख करोड़ रुपये जो है 5 सालों में राइट ऑफ कर दिया गया है। तो यहाँ पे और भी चीज़ें लिखा गया है, वो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। दिस ह्यूज लोन अमाउंट हैज़ बीन हेल्प्ड बैंक ब्रिंग डाउन ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स और लोन डिफॉल्टेड बाय बोरोवर्स टू 10-ईयर लोड ऑफ 3.9% एडवांटेजेस। इतना यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, क्या लिखा है उसमें मैं जो मेन चीज़ है वो पढ़ के सुना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखा है हाउएवर नोटेड टू द लोन ऑफ द रिमेंस अनरिकवर्ड लोन। जो भी अनरिकवर्ड लोन था वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि टोटली जो भी अमाउंट था वो राइट ऑफ कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे और चीज़ें हैं कि अगर राइट ऑफ हो जाता है, ये आप लोगों को समझना है कि अगर राइट ऑफ हो जाता है, व्हाट हैपन व्हेन अ लोन इज़ रिटन ऑफ बाय बैंक। अगर लोन बैंक्स का जो भी लोन है वो राइट ऑफ कर देता है तो क्या होगा? ठीक है, तो व्हेन अ लोन इज रिटन ऑफ बाय द बैंक इट गोज आउट फ्रॉम द एसेट बुक। आप लोगों को समझ में आ रहा है, अगर राइट ऑफ कर देता है तो वो उनके एसेट का जो बुक है उसके एसेट बुक से बाहर चला आता है। इसका मतलब क्या है कि उनके वो पैसा उनके पास से जो है ये लॉस में, मतलब इसको समझा गया है कि ये लॉस हो चुका है, इसको मिलना पॉसिबल नहीं है, तो इसको हटा दिया गया है। अब हटा दिया गया है मतलब क्या है कि आप लोग जो है बच गए हो, आप लोगों को इस तरीके का लोन का जो भी अमाउंट है वो आपको रिपेमेंट करने की अब ज़रूरत नहीं होगी। अब ये क्या है कि आप लोग समझो, RBI ने साफ तौर पर यहाँ पर जो भी था राइट ऑफ कर दिया है, लेकिन जो भी इंस्टीट्यूट है वो रिकवर करेगा, हर टाइम पे रिकवर करेगा। ठीक है, वो रिकवर करना नहीं छोड़ेगा। क्यों नहीं छोड़ेगा ये आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि देखिए ये पैसा तो राइट ऑफ हो चुका है, ये उनको वापस करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन ये बैंक वाला जो भी है या फिर जो भी NBFC है ये रिकवर करने का कोशिश क्यों करेगा? जो भी पैसा मिलेगा वो टोटली जो है उनका प्रॉफिट हो जाएगा। आप लोग समझ सकते हो, जो है RBI को वापस देना चाहिए था वो पैसा वापस देना नहीं पड़ेगा, तो वहीं पर राइट ऑफ कर दिया है, वो पैसा जो है लॉस में चला गया है। अब जो भी रिकवर करेगा टोटली बैंक और NBFC में जो है वहीं पे रह जाएगा। ठीक है, वो RBI को देना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे चीज़ है कि द लेंडर देन मूव्स डिफॉल्टर लोन्स NPA आउट ऑफ द एसेट साइड्स रिपोर्ट्स अमाउंट्स एज ए लॉस, मैंने जो बताया। ठीक है, तो ये चीज़ है यहाँ पे आप लोगों को समझना है कि बहुत बड़ा एक गुड न्यूज़ है कि आप लोगों का जो भी लोन है, यहाँ पे टोटली कस्टमर का नाम रिवील नहीं किया है क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल है।
तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हो 2 लाख करोड़ का जो भी अमाउंट है वो राइट ऑफ कर दिया गया है इस साल। तो इतना बड़ा अमाउंट है, मतलब आप लोग समझ सकते हो कि सभी का, लगभग सभी का जो है लोन माफ़ हो जाएगा। 2 लाख 5 लाख जितना भी आप लोगों का लोन है सभी जो है माफ़ हो जाएगा। ठीक है, हो गया, ऑलमोस्ट हो गया है। ठीक है, जो भी आप लोग 6 महीने 1 साल से अगर पेमेंट नहीं कर रहे हो, डिफॉल्टर लिस्ट में चले आए हैं, NPA हो गए हैं, तो वो आप लोगों को समझना है कि आप लोगों का लोन जो है माफ़ हो गया है। लेकिन ये कंपनीज जो है वो आप लोगों का हैरेसमेंट करेगा, आप लोगों से पैसा लेने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर आप पेमेंट नहीं करते भी हो तो आप लोगों के अगेंस्ट कोई भी केस, कोई भी कार्रवाई नहीं होने वाला। क्योंकि RBI ने खुद यहां पे मेंशन किया है कि सारा जो भी लोन रिकवर नहीं हो पा रहा है टोटली जो है राइट ऑफ कर दिया गया है। राइट ऑफ मींस एक भी फूटी कौड़ी RBI को देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब ये बैंक्स इंस्टीट्यूट आप लोगों से पैसा लेने की कोशिश करेगा, हैरेसमेंट करेगा, लेकिन अगर आप दे भी नहीं पाते हो या फिर देना नहीं चाहते हो तो वो अलग बात है। ठीक है, वो कुछ करेगा नहीं, कुछ कर नहीं पाएगा। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो के थ्रू सही इन्फॉर्मेशन मिला है, एक गुड न्यूज़ मिला है आप लोगों को। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब बटन प्रेस करके ही जाइएगा, सब्सक्राइब बटन जरूर से जरूर प्रेस करिए, क्योंकि दोस्तों मुझे सपोर्ट करिए, मैं आप लोगों के साथ हूँ, आप लोगों के साथ हमेशा रहूँगा। दोस्तों तब तक के लिए चलते रहे डब्बा में, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।